हरिओं तत्सत् श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ सप्तमोध्यायः भगवान के लीलावतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति से गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों की रचना की, इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्षकन्या मूर्ति के गर्भ से वे नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। नारद, शंकर आदि महानुभव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नरनारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में क्राम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्पान पात के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र, इसका मतलब है पुत्र शब्द का ही अर्थ ही है कि पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उसके जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपने इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंसपद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी पर नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय
मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहें और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावह लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नाखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राहा का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणांगत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों के सबसे छोटे थे, परंतु गुणों के दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के स्वरूप संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने तीन पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। यह केवल भगवान के शरणांगत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मन्वंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोकटोक निष्कटन राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी पर भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनामधन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध किए करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्दत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकरा कर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूल कर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी की चुरा कर ले जाता है तब और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष के टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तक्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि केशों के अवतार करने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए ही उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान है, कृष्ण सु भगवान स्वयं।
वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालियाना के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोबालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालियाना को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उसी अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक है ही होंगी, उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैदानों का पुत्र व्योमासुर जब गोपालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा तब वे उन्हें भी वहां से बचा लेंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधे में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोपलोक इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे तब इंद्र वज्रभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तो गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्र पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेमी विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूर हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार देंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्ठासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुगल या बीड़ हाथी, कंस, कालियवन, भोमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, दिवत, वानर, बलवल, दंतवक्त्रम, राजा नगजित के 7 बैल, शंभासुर, विदुरथ और रुक्मे आदि तथा कम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सुंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ को कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेदरूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंड और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वशटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में, जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे तब उस समय उनके चरणों के
अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि हो, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दूसर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जावाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष के उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्यकुल, भूषण, प्रह्लाद, शत्रुपा, मनु, मुनु पुत्र, प्रियवत आदि प्राचीन ब्रही रुभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इश्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मांधाता, अलर्क, शतधव, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतरय, दिलीप, सौभरी, उत्तुंग, शिबी, देवल, पिपला, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिषण एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अष्टिरसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एकरस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमता है। वही सत और असत दोनों से परे है, किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों की भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्रीहरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इसके पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान के अचिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। हरे कृष्णा।